हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर व्लॉग भाई जान। अभी हम अपनी हवेली की छत पे हैं। मेरे साथ कौन है? हाय, हारून शहजादा आ गया है जी लाहौर से। कल रात को ही आया है। तो आज है जी 12 रबी अव्वल का दिन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का दिन, खुशी का दिन है हमारे लिए, ईद उल नबी। ठीक है, तो आज ये है कि आज हमारे गांव में ना जुलूस निकलेगा। ठीक है, जुलूस ऐसे होता है कि वो पूरे गांव के अंदर चक्कर लगाते हैं और जगह जगह बैठते हैं और दुआएं करते हैं, इस तरह करके ना सारा सीन होता है। तो हम छत पे इसलिए देखने आए थे कि ज़रा सेटमेंट कर लें छत से। ये है कि फिर हम ना जैसे कि कुछ भी जुलूस के अंदर आदमी होते हैं ना, उनके लिए पानी शानी जूस वगैरह जो उनसे ना वो बांट देते हैं। तो अगर नीचे से बांटेंगे ना तो वो बहुत रश होता है और उसकी वजह से मसला बड़ा पड़ता है, हाथापाई हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि जैसे कि ये छत है ना, तो यहाँ छत से हम आराम से ऐसे फेंक दिया करेंगे और हम ऐसे ही करते हैं, तो फेंकते हैं और क्या कहते हैं पकड़ लेते हैं। ये देखें ना, जैसे कि ये लगा हुआ है स्टेज, इसी तरह अपनी अपनी जगह पे उन्होंने सबने स्टेज लगाया, पूरी रोड पे ऐसे होता है। ठीक है, और इससे जो जो मौलवी साहब, बड़े मौलवी साहब आते हैं साथ जुलूस के आगे आगे होते हैं, वो आके यहाँ पर स्टेज करते हैं और दुआएं खैर करते हैं सारी, इस तरह करके सारा जुलूस चलता है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं अभी। ठीक है, जब जुलूस शुरू होगा, मैं 10 बजे शुरू होगा, अभी तो टाइम है 9 o'clock, अभी है मतलब एक घंटा पड़ा हुआ है जुलूस शुरू होने को, और पहुँचते पहुँचते हमारे पास उनको पड़ जाता है 12 1 बज जाते हैं मेरी जान, काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि उन्होंने पूरा गांव घूमना होता है पैदल ही। तो जूस मैं ले आया हूँ, घर पड़े हुए हैं, फ्रीज़र में मैं रख दिए थे, मैं थोड़े से चिल हो जाएँ ताकि मज़ा भी आए ना, गर्मी होती है तो उनको पीने में थोड़ा सा मज़ा भी आए। तो बस अभी आता है जुलूस, यहाँ कोई और सीन बनता तो आपको इंशाल्लाह मिलते हैं ज़रूर जी। तो भाई जान हम आ गए हैं घर पर। घर पर क्यों आया, मैं कहा चलो यार जूस जो उनसे रखे वैसे ना वो हम निकालते हैं और लेके चलते हैं हवेली। ओके, सुना है कि जुलूस जो है निकल चुका है वहाँ से और पहुँचने वाला है। सो हवेली आ गए हैं, जूस वगैरह ले आए हैं, दो पेट मैं ले आया, तो जो उनसे गुलजमान ले आया, चाचू बादल भी ले आए हैं, और बाहर हमारे सारे चाचू बैठे हुए हैं अभी। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल हैं? ठीक हैं, चलें अभी सब ना जुलूस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं तो इंशाल्लाह ये सब बांटते हैं। ये कौन आ गया? हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक। हेलो, वो देखो जी कैसे हो? अच्छा, ये सारे अभी वेट कर रहे हैं कि जुलूस आए, और ना बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं अभी। अभी बहुत पीछे है। हाँ जी, मैं छत पे आ गया हूँ क्योंकि जुलूस उनसे ना आने वाला है, वो लोग अभी आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जुलूस यहाँ तक पहुँच गया अभी। हमें ज्वाइन कर लिया है हमारी जान ने अनान से। ये तो पकड़ेगा, वो किधर है ना कवर ऐसे पर। बहुत लंबा जुलूस है वो, आप देख रहे हैं। महबूब खुदा ताया आए, उंदे बरे
अच्छा यार जूस जूस तो बांट दिया, गर्मी बड़ी है देख रहे हो, अभी जुलूस आ गई कुछ आ रहा है ठीक है, तो अभी नीचे मिलता हूँ, सीना वगैरह सुखाते हैं तो फिर मिलता हूँ। अच्छा जी मैं और हनान अब जा रहे हैं घर पे, हनान को आ रही है नींद तो मैंने कहा इसको घर ले जाता हूँ, कल भी बड़ा मज़े का सीन हुआ है, घर जा के बताता हूँ आपको। जी तो घर आ चुके हैं हनान सईद, अभी अपने नानों और दादों के साथ खेल रहे ठीक है, और मैं आपको बात ये बताने लगा था, कल हम जब गए हैं बाइक पे मैं और हनान, इसको आ गई थी नींद बाइक पे, और ये बाइक पे जल्दी जल्दी बाइक पे एकदम ऐसे हुआ है और टुन हो के सो गया वहाँ पर ही, फिर मैंने इसको उठा कर बाइक एक हाथ से चला कर बड़ी मुश्किल घर पहुँचा और फिर इसको यहाँ पर सुलाया, और उसके बाद ये कोई ऐसा सोया है 2 घंटे ही लगातार सोया है, वाह कैसा टुन हुआ है ये तो। अच्छा अभी मैं नाश्ता कर लूँ, आलू वाले पराठे बन रहे हैं, खाता हूँ और आपको मिलता हूँ। अच्छा जी अपना नाश्ता आ गया जी, आलू वाला पराठा साथ में दही, मैं ना नाश्ता कर लूँ फिर मिलता हूँ, बहुत भूख लगी है। हाँ जी हम आ चुके हैं जी बाहर, शाम हो चुकी है, मैं ना असल में थोड़ी देर के लिए सो गया था, माशाल्लाह देखें कितना प्यारा व्यू है, मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, नाश्ता करते ही मुझे जो सा ना नींद आना शुरू हो गई थी तो मैं सो गया। अच्छा मेरा दिल है मुझे आप दें अब यहाँ पर इजाज़त, क्योंकि इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एंड, आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।